हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएनजी के हब। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका 2024-25 में जो नई वाली आई है उसका विषय विज्ञान कक्षा 8 का संपूर्ण हल। तो चलिए आइए अपन वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो चलिए आइए अपन इसका संपूर्ण हल देखते हैं। आपने घर में निम्नलिखित घटना देखी होगी। ब्रेड रोटी पर फफूंद लगती है। हाँ, इस तरीके से मैंने आपको सॉल्व कर दिया। आप इसको आराम से देख के लिख सकते हैं। रंग कैसा होता है फफूंदी का? सफ़ेद। जूते पर फफूंद? हाँ, सफ़ेद। जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ काई जम जाती है? हाँ। वो कैसी होती है? हरी। गर्मी में खाना खराब होता है? हाँ। वो कैसा हो जाता है? सफ़ेद। मतलब फफूंदी सफ़ेद होती है। अब ये क्या है, अपने विचार लिखो। सूक्ष्म जीव इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीव को हम आंखों से नहीं देख सकते। निम्न में से बॉक्स में लिखो। सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। अब जो जो शब्द शेष रह गए हैं वो क्या है? पैरामीशियम, ईस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये विषाणु वायरस होते हैं। चलिए अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 1। सही विकल्प के आगे राइट का चिन्ह लगाना है अपन को। आपने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण है सूक्ष्म जीवों में जनन। सूक्ष्म जीवों में जनन हो जाता है जिस कारण अपना दही जम जाता है। अब दूसरा वाला देखिए। बूजो को डॉक्टर ने खून की जाँच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका क्या कारण है? मादा एनफ्लूज मच्छर ने उसको काट खाया था। तो आप ऑप्शन सी पे राइट लगाइए। तीसरा वाला है। निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता? तो बी वाला, पौधों का सूखना। अपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम्र स्थान पर रख दो, तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेंगी। इसका कारण क्या है? कवक। कवक जम जाता है उसके ऊपर। और पांचवा वाला है। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। कैसी रहती है? ऑप्शन सी, स्थिर रहती है। अपन देखेंगे। दिए गए शब्दों में चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उनको मैंने रिक्त स्थानों में भर दिया है। जैसे कि पहले में पाश्चीकृत, दूसरे में प्रतिजैविक, तीसरे में किण्वन, चौथे में मादा एडिस और पांचवे में संचरणीय रोग। इस तरीके से ये अपन ने पढ़ दिया है। अब आप देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मैंने बच्चों यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिया है और लिख भी दिया है। आप इसको देख के अच्छे से बैठ के आराम से उतार सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।